हेलो। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 कीजिए जो मैट्रिक्स का है, क्योंकि वो चैप्टर जस्ट अपन ने अब भी पढ़ा है, तो तुमको महसूस होना चाहिए कि सुहाग ने पढ़ाया, एडवांस की परीक्षा हुई और हमसे बना। पीछे सॉल्यूशन नहीं देखना। पीछे सॉल्यूशन वैसे भी गलत है, मालूम क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स टॉपिक में पसंद नहीं करता, तो इसका सॉल्यूशन किया था लक्की दुबे ने, और लक्की दुबे ने प्रूफ कर दिया कि उसको मैट्रिक्स नहीं आती। अरे यस, तो पीछे सॉल्यूशन नहीं देखना और पथ भ्रष्ट हो जाओगे। और मैं करूंगा इसका सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होता है। हिंदी नहीं है, मैं तुम्हें इसका हिंदी कर देता हूं, सुन ध्यान से। बाकी तुम्हें साल भर स्टडी पैकेज मटेरियल हिंदी मिलेगा, ये क्वेश्चन पेपर तो जैसा आया वैसा दिया, ऐसा है। आप आईआईटी का जब फॉर्म भरोगे तो उसमें लिखोगे मुझे हिंदी मीडियम चाहिए, मुझे गुजराती मीडियम चाहिए, तो आपका पेपर उसमें आएगा। और हम भी साल भर आपको स्टडी पैकेज मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों देंगे, मगर ये पेपर तो हम जो बच्चों से लेकर आए फोटोकॉपी करके बांट दिया, ये बात है। तो आपसे बोल रहे हैं कि एक अवयव है पी, और आई मतलब इकाई अवयव, और क्यू भरा हुआ है इन तत्वों से, एलिमेंट से। उस एलिमेंट्स के नाम ये हैं, तत्वों के नाम ये हैं। तो पी की घात 50 माइनस क्यू बराबर वापस क्या हो जाता है? इकाई, यूनिट हो जाता है। तो आपको इसके जो एड्रेस एलिमेंट है उनमें से इन इनका आपको निकालना। तो मैं बोर्ड मिटा देता हूं और तुम्हें जादू दिखाता हूं, लक्की भैया से मैट्रिक्स नहीं बना, बड़ी खुशी हुई। यहां देखिए, सुनिए, मुझे बताओ पी स्क्वायर कैसे ढूंढते हैं? बोलो बोलो बोलो। 1416014001 में फिर से मल्टीप्लाई किसका? मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सिखाया था, डिटरमिनेंट का भी सेम तरीके से होता है। सभी लोग सर उठा के जियो, बोर्ड पे देखो, सुनना, पीछे वाले खड़े को आगे वाले पे लिटा दो, क्या डायलॉग था? 1416 को यहां लिटा दो। अब देखो जादू,
वन वन जा, जीरो जीरो, इन सबका सम। फिर फोर वन जा फोर, फोर 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 वन जा फोर और जीरो, तीनों को जोड़ो आठ। आठ यानी क्या? वन सिक्सटीन जा, फोर फोर जा और सोलह वन जा, तो सोलह इंटू क्या? अब इसको हटाओ, अब जीरो वन फोर लाओ, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो फोर फोर एट, जीरो जीरो जीरो। बोर्ड पे एकदम नजरे गाड़ के रखना, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन। और खास बात, ये क्वेश्चन जब लक्की सॉल्व कर रहा था ना, तो बगल में निखिल जायसवाल आके बैठ गया था, 120 में से 16 आने वाले भैया, वो भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, दोनों ने मिलकर किया और गलत किया, ये और खुशी की बात है क्या? यस मालिक। यानी ये कितना हो गया? अब पी क्यूब चाहिए, क्या चाहिए? तो पी स्क्वायर इंटू क्या होगा? यानी क्या होगा बोलो? इसमें मल्टीप्लाई किसका? बोलो बोलो बोलो। पीछे खड़े को आगे लिटा दिया, बोर्ड पे देखना रे बाबरी। वन जीरो जीरो, वन एट बारह, बारह हा 48, बत्तीस, सुनो सुनो, सोलह वंजा सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, सोलह ती अड़तालीस, कसम सोलह कॉमन, सोलह ती अड़तालीस, सोलह दूनी बत्तीस, सोलह वंजा सोलह, ये है जादू, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। इसको देखो नजरे गाड़ के, इसका मतलब जब पावर वन थी तो ब्रैकेट में वन था, पावर टू है तो ब्रैकेट में वन प्लस टू है, पावर थ्री है तो ब्रैकेट में क्या है? आप गेम समझिए, क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग सोचिए। अब सिंपल सी बात है, पावर पचास होगी तो इधर क्या होगा? ऐसा। और ये देखो, पावर तीन है तो तीन, दो है तो दो, वन है तो वन, फोर बन जा फोर। पैटर्न पता चल गया, क्या पता चल गया? जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो आठ चार, Mm-hmm.
सिंपल सी बात है बाबा, पी की पावर 50 क्या होगा बाबा? 1 होगा। अरे बोलो ना, 4 × r इधर पे 1 + 2 + 3 डॉट 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 50। अरे होगा, तुम खड़े हो जाओ। वेदांत के आगे वाला, हाँ हिलाओ से वेदांत, हाँ खड़े हो जाओ। हाँ नहीं आया ना समझ में? नहीं आया ना? कौन आया? पक्का? हाँ बोल। हाँ बेट, फिर इधर क्या? 0 0 0 1 1 + 2 + 3 + 50 सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस पच्चीस इंटू 25 × 51 किसी ने निकाला कितना हुआ? 25 × 50 + 1 क्या लिखूं यहां पे? 1। बस इसका मल्टीप्लाई करना है 16 से। अरे यार रुको यार, छोड़ो यार, तुम तो बताओ 16 × 25 × 51 है ना, ये है ना फाइनली। तो 25 × 16 पहले कर लो इसके हिस्से से, चार सौ × 51 हट जाओ, नहीं कर रहे मल्टीप्लाई। अबे ये क्या हो गया, तुम तो ये बताओ। ओ छपाई भाई क्यों लिख रहे हो भाई? लिखना मना है, तुम लोग नए हो, तुम्हें मालूम नहीं है। नहीं चाहिए मल्टीप्लाई। तुम तो मुझे एक बात बताओ, हमसे मांगा क्या है? पी की पावर 50 माइनस क्यू बिकम क्या? तो जरा सोचो, की पावर 50 ये है, इसमें से तुमने क्यू घटाया तो क्या बन जाना चाहिए? आई क्या होता है? 111 और बाकी सब कुछ क्या? तो मेरा दिल कहता है कि क्यू होगा 0 0 0 0 0 0, इसमें से तुम इसको घटाओगे तो 111 और 000 हो जाएगा, और यहां पर 0 रिजल्टेंट हो, इसलिए ये तीन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। 200 यानी कि ये तीन सेम है, इसको तुम क्या कहोगे? दूसरी गली में पहला मकान, इसको क्या बोलोगे? और इसको क्या बोलोगे? मुझे एक बात बताओ, ये और ये क्या है? एकदम सेम है ये लोकेशन। आईआईटी ने सिर्फ उलझाने के लिए पी की पावर 50 माइनस क्यू बराबर आई लिखा कि बच्चा देख के डर जाए, अंदर से खोखला निकला।
दिखाने का बड़ा बड़ा था सिर्फ, अरे यस आर नो, अरे हां कि ना। अब हमसे मांगा क्या है, मांगा क्या है भाई, Q31 क्या मांगा है, Q31 मतलब 400 × 51 यही होता है ना, प्लस Q32 मतलब 200 × 200 तो ये कितना हो जाएगा, 100 100 100 100 कॉमन होके कट गया, 2 2 2 भी कट गया, तो 51 × 2 प्लस क्या, तो 102 + 1 103 103। और लक्की भैया ने क्या लगाया देखो तुम। अच्छा मैंने भी ऐसी कोई दुख की बात नहीं है कि भाई गलत हो गया, पिछली क्लास में मैंने भी किया था, मगर मेरी टेक्निकल मिस्टेक नहीं थी, मैंने ट्रेंगल बनाया था, वहीं बगल में ट्रेंगल की वो जो बेस था वो सही लिखा था, उसको दोबारा लिखते समय 4√3 कर दिया था 4√6 को, टेक्निकल मिस्टेक नहीं थी। यहां देखो लक्की भैया ने क्या किया, टेक्निकल मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक क्या है सुनो, ये जो लिखा है ना 1 2 3 यानी सम कितना हुआ, बोलो बोलो भाई साहब ने वहां 5 लिख रखा है, और उस तरीके से इस पैटर्न को वो पहचान नहीं पाए, और उनका पैटर्न मालूम क्या बना, एजीपी अरिथो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उस वजह से उन्होंने गलत आंसर ढूंढा। तुम सोचो वो ऑप्शन है, आईआईटी ने कहां तक सोच सोच के बनाया होगा पेपर कि बच्चा जो टेक्निकली रॉन्ग करेगा वो ऑप्शन भी हम दे, और लक्की भैया इतने खुश हो रहे हैं, अरे सर क्या तो एजीपी बनाई यार, ओ मेरा आंसर आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई जाने दे, मैंने बिना चेक किए जाने दिया, बेइज्जती खराब हो गई क्या। जिनको मैंने आज दिया है उसमें गलत नहीं है, जिनको कल मिला है उसके में गलत है, कल एक्चुअली मैंने खुद किया सॉल्यूशन और फिर मैंने सुधारा, आज जिनको मिला है वो सही है, जिनके पास कल का रखा है वो गलत है। तो सभी बच्चों को आज का भी दे दूं क्या, है ना, वो सही रहेगा, आज वाला जो नया है वो जिसको चाहिए हाथ उठाओ, सभी ले ले लो, क्योंकि इसमें मिसपेट हटा दी मैंने। आज वाला आज वाला मिल गया, हां जिनको आज वाला चाहिए वो मेरे से ले लो, कल वाले में ये लक्की भैया की मिस्टेक है। अच्छा सुनो सब लोग दोनों संभाल के रखना, मालूम क्यों, क्योंकि जो आज वाला है उसमें देखो किनोरी किनोरी हल्की हल्की कटी हुई है, एकाध अक्षर मिसिंग है, तो दोनों रखना। तुम्हारे पास कौन सा है, अरे इसको देना भाई, आज वाला और कल वाला जिसके पास दोनों है दोनों संभालना है। लो भाई और किसको, ये बैग ऊपर रखो ना यार, इंसानों के बैठने की जगह नहीं है, रखो ऊपर, आज वाला आज वाला आज वाला आज वाला, चलो आगे बढ़ो, इसको सुनो छापो नहीं, इसको समझदारी पूर्वक पूरा ध्यान से नए सिरे से दोबारा कॉपी में सॉल्व करो, सुकून से पूरा करो। अच्छा वो जो लकी वाला सॉल्यूशन है मतलब पुरानी शीट का,
उस पे चौकड़ी मार दो। क्वेश्चन नंबर 41। नहीं, इसमें पैटर्न तुम्हें पता करना है तो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते। और वैसे भी मैट्रिक्स है, मैं इसलिए पसंद नहीं करता। मैट्रिक्स में शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है इसलिए मैं पसंद नहीं करता, और पसंद नहीं करता इसलिए दूसरे के हाथ में दिया, उसने और बर्बाद कर दिया। उससे अच्छा मैं ही सॉल्व कर देता। इसको मिटा दूं बच्चा? हां, अरे मिटा दूं। आपको कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद की टेस्टिंग करना है। और जिन बच्चों ने किस्मत से परसों वाली क्लास अटेंड नहीं करी उनको वीडियो जरूर देखना है, पेपर वन का सॉल्यूशन। मिटा दूं दादा, मिटा दूं। इसका मतलब सोचो आप, मैट्रिक्स भी यूज हुआ और सीक्वेंस सीरीज भी यूज हुआ।
अभी कीजिए क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री प्लस सीक्वेंस सीरीज, ऐसा बोल दो।